तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्रोम पे आपको एक आज हम सिखाएंगे कि कोटक का 811 अकाउंट जीरो बैलेंस कैसे ओपन करें। बहुत आसानी से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जी कोटक डॉट कॉम जैसे डालिएगा 811, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे साइट खुलेगी तो यहाँ लेट गो लेट्स गेट स्टार्टेड होगा। तो यहाँ पे आपका पहला नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी टिक करके ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे ओटीपी आएगा। ओटीपी करने डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और इसमें बिना टाइम वेस्ट किए, बिना फालतू बकवास किए हुए फटाफट इसको हम बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे जो भी डिटेल है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो ज़रूरत है ज़रूरत के हिसाब से। तो अब यहाँ पे आपको पैन नंबर हो गया। पैन नंबर डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। आधार कार्ड हम यहाँ पे डाल देते हैं। डालने के बाद आपके आधार कार्ड पे जो है मोबाइल नंबर डला होना चाहिए, ताकि बहुत आसानी से आपका काम हो सके, वरना नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर चढ़ा हुआ है वो आपके पे ओटीपी भेजेगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे आसान डाल देना है। तो अगर ना आए तो दोबारा रीसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। तो ओटीपी जैसे ही डालिएगा तो उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद अगला पेज आ जाएगा। आपका आधार कार्ड से पूरा डिटेल ये उठा लेगा, आपका फ़ोटो, आपका एड्रेस, नाम, पता, सब कुछ। तो और ज़्यादा कुछ ना छेड़ते हुए यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, सैलरी है तो सैलरी कर देना है। तो हम फिलहाल स्टूडेंट का भी ये अकाउंट खुल जाएगा जीरो बैलेंस वाला, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, वरना सिंगल, ठीक है। तो ये करके हमें क्या करना है, वापस यहाँ पे कंटिन्यू। कंटिन्यू जैसे ही करिएगा आप, तो एक और यहाँ पे ऑप्शन आने वाला है, वो है नॉमनी का। तो यहाँ पे आप नॉमनी भी यहाँ पे डाल सकते हैं। नॉमनी में आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करके यस करना है। अगर नहीं डालना है नॉमनी तो आई डू लेटर पर हम डाल देते हैं। डालने में हमारा क्या जा रहा है, नॉमनी डालने से ये होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो उसके आपके उस पैसे उनको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मदर को हमने नॉमनी बना दिया है। तो नॉमनी बनाने के बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल चेक करने के बाद हमें फिर से एक बार यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका टर्म कंडीशन सारा चीज़ यहाँ पे पूछेगा। तो इसको आप अच्छी तरह अपने हिसाब से यहाँ पे पढ़ाई कर लें। और पढ़ाई करने के बाद आपको क्लिक करें कि और वर्चुअल कार्ड पे अगर लीजिएगा तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप फिज़िकल कार्ड लीजिएगा तो आपके 300 रुपये साल का कटेगा। तो वहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका लोकेशंस, वेयर कैन वी बी मीट यू, मतलब हम आपसे कहाँ मिल सकते हैं। तो कोटक ब्रांच में आप वेरीफाई कराना चाहते हैं, या आपके आधार कार्ड के एड्रेस पे वेरीफाई कराना चाहते हैं, या कोई और भी एड्रेस है जिस पे आप वेरीफाई कराना चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि आधार कार्ड के ही एड्रेस पे वो आ जाए और हमें कहीं जाना ना पड़े, घर बैठे हमारा अकाउंट वेरीफाई हो जाए। तो वो आएगा और आपका सारा डिटेल चेक करके, मतलब आधार कार्ड सब चेक करके वो आपका फुल KYC करके चला जाएगा। आप ब्रांच भी जा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप आधार कार्ड के ही एड्रेस पे मंगाइए और अपना KYC करिए, आपका KYC हो जाएगा, अकाउंट तो आज ही खुल जाएगा। उसके बाद आपका अकाउंट पे जो पासवर्ड देना है आपको, यहाँ पे आपको पासवर्ड 8 करेक्टर का से ऊपर बनाइए। जैसे कि आपका नाम का पहला लेटर हो गया, या आप यहाँ ram@1234 इस तरीके से कर सकते हैं, पर इतना आसान मत बनाइएगा, थोड़ा सा हार्ड बनाइएगा ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे सारा पासवर्ड बनाने के बाद कंफर्म पासवर्ड दोबारा करना है, वही जो पासवर्ड आपने ऊपर बनाया था उसी को नीचे डालना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे 6-डिजिट पिन, जो आप जानते भी होंगे कि आजकल पिन डालने पे हमारा जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र होता है, जैसे फ़ोनपे गूगल पे में होता है, उसी तरीके से यहाँ पर पिन बना लीजिए ताकि हमेशा आपको पासवर्ड ना डालना पड़े। तो अब वर्चुअल कार्ड पिन जो है वो सेम रखना चाहते हैं या अलग रखना चाहते हैं वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो हम सेम रखना चाहते हैं, कोई अलग नहीं रखना चाहते हैं। ऑनलाइन पेमेंट डोमेस्टिक वेबसाइट, आप ये टिक कर लें कि आप डोमेस्टिक वेबसाइट पे करना चाहते हैं। ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेशनल वेबसाइट, फिज़िकल डेबिट कार्ड चाहते हैं, तो आपका 300 रुपये एक साल का कटेगा और ये हर साल आपको यहाँ पे लगेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो हम फिज़िकल चाहते नहीं है, ज़रूरत भी क्या है आजकल, तो बस हमें फ़ोन पे गूगल पे बनाने के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड भी काम कर जाता है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो इसको हम अनचेक करके उसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी सारा डिटेल चेक करके यहाँ पे हम करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखिए योर अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट खुल चुका है, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे आ गया, URCN नंबर आ गया, FSC कोड भी आ गया और आपका UPI ID भी आ गया है। अब जो है हमारा अकाउंट यहाँ पे खुल चुका है। इसी तरीके से आपका कोटक का अकाउंट यहाँ पे खुलेगा और आपका अकाउंट बैलेंस जो है वो जीरो है। आपका कार्ड नंबर, वर्चुअल कार्ड नंबर भी आ गया, एक्सपायरी डेट भी आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग प्राइस है।
तो डिज़ाइन से हमें क्या लेना देना है भाई, वो अमीरों के चोचलेबाजी है। तो यहाँ पे इस अब आगे क्या करना है नेट बैंकिंग के लिए, अगर आप नेट बैंकिंग भी बनाना चाहते हैं तो कोटक का नेट बैंकिंग कैसे बनेगा वो आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहले नेट बैंकिंग में जाए, यहाँ CRN नंबर डाल के यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है आपको वो यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, जो कि आपने यहाँ पे पासवर्ड आपने बनाया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे जनरेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमने जो पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। आपके मोबाइल पे जो है OTP जाएगा, जो OTP आपको यहाँ पे डाल के सिक्योर लॉगिंग पे क्लिक कर देना है। सिक्योर लॉगिंग पे जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पे सेटअप नेट बैंकिंग, तो यूज़र नेम यहाँ पे नेट बैंकिंग में डालना पड़ता है, तो आप अपना नाम भी डाल सकते हैं। जैसे आप मेरा नाम दीपक जाहेद, मैं यहाँ पे दीपक जा डाल सकता हूँ भाई, जिसका अकाउंट है मैं उसका नाम यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से डाल के अगर क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पे 5 क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे ताकि आप कभी भूल जाएं तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आप डाल सकें। सारा चीज़ नेक्स्ट करके स्टे इन कंट्रोल वंट्रोल जो भी है सारा चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट 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 करके आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद लेट गेस्ट स्टार्ट, इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपका अकाउंट खुल चुका था, आपका नेट बैंकिंग भी खुल गया, मोबाइल बैंकिंग भी हो गया, सब कुछ यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ये इस तरीके से नेट बैंकिंग का डैशबोर्ड है, तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल दिखाई दे देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से वीडियो यहाँ पर मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।